देखिए राजेंद्र जी, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हरियाणा मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में काम कर रही है, और उसका जो हरियाणा का जो एक्सपीरियंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एक पंजाब में वो प्रयोग करना चाहती है जी। एक्सपेरिमेंट को जो जो हरियाणा में उन्होंने किया था और वो सफल रही थी हरियाणा में उन्होंने, हालांकि वो जो चुनाव से पहले सभी लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव हार रही है, लेकिन उन्होंने 48 सीट बहुत रिकॉर्ड सीट जी जी बिल्कुल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बोल के बिल्कुल खिलाफ गए नतीजे, और वो जो एक नॉन जाट का और शहरी मतदाता को उन्होंने साधने का काम किया, और उससे उनको डेफिनेटली लगातार फायदा होता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पंजाब में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, और सभी पार्टियां जो है वो इस पर पूरा जोर लगा रही हैं कि क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं से 2027 के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका रास्ता जो है यहीं से क्लियर होगा। यहीं से पता चलेगा कि जो पार्टी इन उपचुनावों में अपना वजूद बना पाती है या अपने वजूद को बचा पाती है, वही पार्टी 2027 के चुनावों में अपने लिए जगह जो है वो पक्की कर पाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि पंजाब में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस तरह का सिनेरियो बन सकता है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, पंजाब में उपचुनाव होने जा रहे हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों पर, जिसमें है गिद्रवाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब में, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पंजाब में हमेशा काबिज रही है और पिछले कुछ लंबे समय से वो जद्दोजहद कर रही है अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने वजूद को वापस पाने के लिए, और उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी जो अपने लिए जमीन तलाश रही है, जगह बना रही है, अपने पैर जमा रही है पंजाब में। तो इस बार जो है किस तरह का सिनेरियो हो सकता है ये जो उपचुनाव है इनमें? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने एक अच्छा जो लेटेस्ट पंजाब से रिलेटेड जो इशू है उस पर बात करने की शुरू की है जी, चर्चा शुरू की है। पंजाब विधानसभा में जो चुनाव है वो 20 तारीख को होना है जी, 20 नवंबर को। पहले 13 नवंबर को था, 13 नवंबर को जो डेट फिक्स की गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मांग पर जो एक्सटेंड की गई है वो 20 नवंबर किया गया है। और मुझे लगता है 3 मुख्य पार्टियां इस उपचुनाव में मैदान में हैं। अब की बार ये खास बात है कि श्रोमणी अकाली दल इस चुनाव से आउट है। श्रोमणी अकाली दल एक बड़ी फूट का जो है वो इस समय खमियाजा भुगत रही है, इस वजह से वो कहीं उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। विधानसभा का जो चुनाव है, ये उपचुनाव कहें और या जैसे भी आप है, तो उपचुनाव 4 सीटों पर है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रोमणी अकाली दल इस चुनाव से, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनसे अभी बाहर है। ये पंजाब के लोगों के लिए बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने वाला एक जी कारण हो सकता है। और अब जैसे 4 विधानसभा सीटों पर, जिसमें गिदड़बा सीट है, डेरा बाबा नानक है, चब्बेवाल है और बरनाला सीट है जी, से एक चब्बेवाल सीट जो सुरक्षित सीट है उस पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उपचुनाव के माध्यम से एक अपने जो पंजाब में है पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2 सीटें उनके पास पहले से हैं, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। हाँ, 2022 में एक्चुअली पंजाब में एक पूरी लहर थी आम आदमी पार्टी की, एक क्लीन स्वीप करके गई थी आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें 92 सीटें जीती थी, और श्रोमणी अकाली दल ने 4 सीटें जीती थी, और आजाद जो एक उम्मीदवार जो जीते थे, और कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी जी। उसमें मैं लगता है कि एक क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पे अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में आते आते जो आप पार्टी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है लोकसभा चुनाव में, उन्होंने 13 सीटों में 3 सीटें जीती हैं, और कांग्रेस ने जीती है 7 सीटें, कांग्रेस ने जीती है, कहीं की कांग्रेस का पाला उस टाइम लोकसभा चुनाव में भारी रहा है बिल्कुल ठीक। और
ये दो सीटें जीती हैं अन्य से अन्य ने जी, और एक सीट श्रोमणी अकाली दल जीत पाई थी। तो इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो उपचुनाव का जो मौका उनको उनके एक अवसर आया है तीनों पार्टियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश करेगी निश्चित रूप से, कांग्रेस अपना वजूद जमाने की वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव से पहले जो वजूद अपना खो चुकी थी, लोकसभा चुनाव में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया और 7 सीटें जीती। वही आप पार्टी 2027 के लिए अपना एक ग्राउंड तैयार कर रही है कि 2027 में अगर इस उपचुनाव में अच्छा कर पाए तो निश्चित रूप से 2027 में भी अच्छा कर पाएगी। तो ये जद्दोजहद तीनों पार्टियों के बीच में जद्दोजहद है और तीनों पार्टियों ने बड़ा एक जो कैंडिडेट खड़े किए हैं अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए बहुत सोच समझ के, और तीनों पार्टियों का हिसाब लगाए तो बहुत अच्छे कैंडिडेट इनको इन्होंने दिए हैं। वहीं भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है आप पार्टी है उनमें मुकाबला है, लेकिन अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी ने तिकोना मुकाबला चारों सीटों पर बनाया हुआ है और तिकोना मुकाबला में आप कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने गिद्दरबा से मनप्रीत बादल को टिकट दिया है, पंजाब के बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं और 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और 2 बार मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, वो गिद्दरबा से पहले विधायक रह चुके हैं। डेरा बाबा नानक से उन्होंने रविकरण कालों को टिकट दिया है और चब्बेवाल से सोहन सिंह ठंडल को टिकट दिया, वो भी 4 बार के विधायक रहे हुए हैं, और उस बरनाला से केवल ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। निश्चित रूप से 4 जो उप चुनाव है उनमें से 1 आरक्षित सीट है और 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जट सिखों को टिकट दी है। जट सिखों का जो मत प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और उधर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें गिद्दरबा से अमृता वडिंग को टिकट दिया गया, जो राजा वडिंग की वाइफ है, राजा वडिंग वहां से पार्टी प्रधान है, वहां से विधायक रहे हैं और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो MP बन गए जी। दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक से भी सुखजिंदर जो सिंह रंधावा थे वहां से MLA थे और वो बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव वो जीते। अब उनकी ही वाइफ को जतिंदर कौर को टिकट दिया गया है और चब्बेवाल सीट से जो आरक्षित सीट है रंजीत कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बरनाला से कुलदीप सिंह ढिल्लों को टिकट दिया है और आप पार्टी की अगर बात करें तो आप पार्टी ने गिद्दरबा से हरदीप सिंह डिम्पी को टिकट दिया है, डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा को टिकट दिया है, चब्बेवाल से ईशान चब्बेवाल को टिकट दिया, उनके पिता राजकुमार जो चब्बेवाल से विधायक पहले, पहले कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस छोड़कर उसके बाद ये इन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन करी थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव जीते हैं वो, और अब उनके बेटे को ईशान जो चप्पे वाले उनको टिकट दिया गया है। और बरनाला से आप पार्टी के हरिंदर सिंह दालीवाल को टिकट दिया गया है जी, जो यहाँ से बरनाला से गुरमीत सिंह मीत जो पंजाब में मंत्री थे और MP का चुनाव लड़ा और MP वो जीता, उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने अब अपने ही क्लास फेलो गुरमीत सिंह मीत हेयर ने उन्होंने हरिंदर सिंह अपन उनका क्लास फेलो उनके दोस्त हैं उनको टिकट दिलवाया है। तो ये देखने वाली बात है कि तीन चारों पार्टियों के बड़े दमदार जो कैंडिडेट हैं मैदान में हैं। हालांकि मुकाबला इनका कांग्रेस और आपका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब कहीं कहीं मुझे लगता है तिकोना मुकाबला बनाने में कामयाब रही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को स्थापित, क्योंकि अगर बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं उसमें बेशक 2 सीटें लेकर गए हैं, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव में उसमें उनका जो वोट प्रतिशत है वो पहले से काफी बड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जमीन को तलाशती हुई कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाती नजर आ रही है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा के पैटर्न पर यहाँ गैर जाट और जाट वोटर्स के ऊपर फोकस करके उस पैटर्न पे काम कर पाएगी यहाँ पे? देखिए राजेंद्र जी, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हरियाणा मॉडल
पे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में काम कर रही है, और उसका जो हरियाणा का जो एक्सपीरियंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एक पंजाब में वो प्रयोग करना चाहती है जी। एक्सपेरिमेंट को, जो जो हरियाणा में उन्होंने किया था और वो सफल रही थी। हरियाणा में उन्होंने, हालांकि वो जो चुनाव से पहले सभी लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव हार रही है, लेकिन उन्होंने 48 सीट, बहुत रिकॉर्ड सीट जी जी बिल्कुल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पोल के बिल्कुल खिलाफ गए नतीजे उनके। और वो जो एक नॉन जाट का और शहरी मतदाता को उन्होंने साधने का काम किया, और उससे उनको डेफिनेटली लगातार फायदा होता गया, और जो लास्ट में चुनाव का जो जो परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, और अभी भी उसी पैटर्न में हरियाणा मॉडल पे ही काम भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कर रही है। पंजाब में भी वो कहीं ना कहीं नॉन जट को अपने फेवर में करने के लिए और कहीं ना कहीं शहरी वोटर को अपने फेवर में करने के लिए ये निश्चित रूप से रणनीति के तहत वो काम कर रही है। अभी जैसे कल एक जो पंजाब के जो बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी में सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है किसानों के खिलाफ, उस बयान को जबरदस्त तरीके से माना जा रहा है, और कहीं कहीं वो उसी रणनीति के तहत वो बयान दिया गया किसानों को, अपने बयान के माध्यम से किसानों पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने किसान नेताओं पर व्यक्तिगत संपत्ति की जांच की मांग करते हुए यह भी कहा कि पंजाब के किसान पारंपरिक नशे के शिकार थे, यही कारण था कि उन्होंने हरित क्रांति में योगदान दिया, ये निश्चित रूप से किसानों के खिलाफ जाता है। और कहीं कहीं किसान जो नॉन किसान जातियां वहां पे, इससे कहीं कहीं उनको लगा कि रवनीत सिंह बिट्टू को उससे नॉन किसान, नॉन जट जो वोटर है वो कहीं कहीं लाभमंद होगा, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उसका फायदा होगा, स्पेशली शहरी वोटर और हिंदू वोटर्स पे फोकस बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है, और इसी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है, और उससे लाभ होगा या फायदा होगा ये तो चुनाव के जो चुनाव में पता चल पाएगा, नतीजों के समय में पता चल पाएगा। अगर हरियाणा मॉडल उनका कामयाब रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में फायदा हो सकता है, और पंजाब में कहीं कहीं उनका जो हम बात कर रहे हैं पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से 3 कहीं कहीं विधायक उनके पंजाब में हो सकते हैं। एक और विशेष जो जो एक इशू रहा है, मुद्दा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में फायदा हुआ है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण करने का, और आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। चुनाव से पहले डीएससी को जो वर्गीकरण किया है, जो डीएससी की जो के अंतर्गत आने वाली जो कास्ट हैं, जो जातियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने बुलाया और उनको एक आश्वासन दिया कि उनका निश्चित रूप से वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके भी दिखा दिया हरियाणा में सरकार बनने के बाद। तो इसी मुद्दे को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बुलाने की कोशिश कर रही है। ये फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो देखो मतगणना में पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी बुलाने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है, और कहीं किसी तरह का छोटे से छोटा भी अगर उनमें कोई वोट बैंक अगर दिखाई देता है, उसके समर्थन में आकर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करती है, तो ये अभी तक का मुझे लगता है कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े रणनीति के तहत वहां पे चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत एक रणनीति के साथ जो है चुनाव को लेती है, और चुनाव में इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रही है। तीनों पार्टियों की आपने बात की, अगर बात करें सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी की, तो वो कहीं ना कहीं अपने वजूद को बचाने की कोशिश करेगी आने वाले चुनाव में। क्या ये जो चुनाव है, उपचुनाव होने जा रहे हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों पर, इससे 2027 के चुनाव का रास्ता क्लियर होगा? निश्चित रूप से, अगर कांग्रेस पार्टी अगर इसमें बाजी मार सकती है इन 4 उपचुनावों में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक मोमेंटम बना हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और 7 सीटें जीती। आप पार्टी की हालांकि सरकार है वहां पे, पंजाब में सरकार है,
सरकार के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतने में कामयाब कांग्रेस के लिए एक बड़ी एक वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो लय अच्छी बात है अच्छी लय बनी हुई है वो कहीं कहीं कोशिश करेगी कि वो लय इस विधानसभा चुनाव में भी बनी रहे। दूसरी ओर आप पार्टी का भी निश्चित रूप से यही है कि एक रास्ता तय करेंगे ये चुनाव उपचुनाव जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर अगर आप पार्टी इन चुनाव जीतती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें एक ये देखने को मिलेगा लोगों को कि कहीं ना कहीं आप पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ अभी भी बना हुआ है लोगों का साथ और इससे 2027 का जो विधानसभा के चुनाव होंगे आप पार्टी को फायदा होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीटें कहीं ना कहीं बढ़ाने की 2 से 3 करने की कोशिश करेगी। अगर 3 सीटें भी अगर 1 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत पाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे 2027 के चुनाव के लिए। हाँ 2027 में उनके लिए रास्ता जो है खुल सकता है और कहीं ना कहीं अच्छे संकेत अच्छे संकेत से ज्यादा बढ़त बना सकते अच्छे संकेत उनके लिए हो सकते हैं। सो दोस्तों पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव होने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2027 का रास्ता जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में अपनी बढ़त बनाती नजर आती है तो 2024 में वो अपने लिए पैर जमाने में पंजाब में कामयाब हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की या उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तो एक वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वजूद को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और लोकसभा चुनाव में उसने एक बहुमत हासिल किया है। तो दोस्तों आने वाले चुनाव जो है उपचुनाव वो क्या दिखाते हैं ये सब देखने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।